कैमरा मैन दिख रहा है, मुझे अपने घर जाना है। और सुबह के 8 बज रहे हैं, हम उठे हैं और कल रात से बारिश ही बारिश हो रही है और इस बारिश में मम्मी ने कपड़े धोए हैं। अभी बारिश तो हो रही है तो कपड़े सूख जाएंगे तुम्हारे आज, धुल जाएंगे, सूख जाएंगे। लेट्स सी, तो फिर देखते हैं क्या होता है। और अगर ऐसी बारिश रही, पता नहीं, हमारे कीर्ति का कल ट्रायल है और हमारा मतलब मेरा मैच है, देखते क्या ही हाल होता है उसका, बताते रहेंगे आपको। स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल में और वीडियो में बने रहे। और क्या हाल है, कैमरा देखा पहले तो। हाल क्या है, अंधेरा आ रहा, बैठ के मेरा देख। हां हेलो गाइस, फर्क देख लो, यू मोटो है, यू सही है, देख हाथ अब देख, कुछ नो खुद हो, कुछ नो ऐसे हम फटना जाएंगे एकदम से। कैमरा मैन दिख रहा है, बहुत ज्यादा फूल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सब दबाएंगे ना, जल्दी होगा तो। हाँ तू कहाँ गई भागी भागी, टी शर्ट में पागल हो गई, कुछ भी बोल दो, कुछ भी। अच्छा खाई कसम, मैं कसम कसम नहीं खाती। तो ठीक है गाइस, मैं फ्रेश फ्रेश होके आई हूँ और अब मैं फ्रेश होके आई हूँ, फ्रेश और ब्रश। हाँ, और अब मैं नाश्ता करूंगी, नाश्ते में मैं लूंगी दूध और कॉर्नफ्लेक्स। और आप क्या लोगे, पोहे में नहीं बना। ये मेरे से कुछ कहती है ना कि ये, और ब्लॉग में भी सबूत होगा, ये मुझसे कुछ कहती है कि ये बना दे वो बना दे, मैं बना देती हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ यार, पोहे लंच में खा लेके दो। नहीं, ये कहती है कि कीर्ति यार उसमें ओट्स बना दे, कीर्ति यार वो सैंडविच बना दे, और मैं हाँ ठीक है मैं बना दे। तो गाइस ये है मेरा नाश्ता और इधर देखो, और ये है कीर्ति का नाश्ता। ही क्या है कीर्ति, चौकोस, वेरी गुड, हेल्दी है, न्यूट्रिशन कहीं कहीं ना कहीं ही तो ये बन रहा है। एक मिनट, ये न्यूट्रिशन वाले हैं केलॉग्स के, विद गुड फाइबर एंड जमा कर दी। ना कोई बात ना, बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, बेसी है अपने। तो ठीक है गाइस, अब हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपसे मिलते हैं। ऑलमोस्ट हमारा सारा काम, अपने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया है। तो ये अपने बालों में तेल लगा रही है और मैं अपने बालों में लगाऊंगी दही तेल। ये है दही और इसमें है तेल, तेल है डाबर आमला, हम डाबर आमला तेल का इस्तेमाल करते हैं। और कीर्ति क्या आप मेरे बालों में ये लगाएंगी या मुझे स्वयं खुद लगाने पड़ेंगे? आप स्वयं लगाएंगी, आप नहीं लगाएंगी, लगा दीजिए ना, लगा दीजिए ना, पोहे तू बना। हाँ, मैं पोहे बना दूंगी यार, ए टू जेड सब कुछ काटना पीटना सब। हाँ, ऑन कैमरा है। हाँ मैं बना दूंगी। हाँ, एलविश यादव की एक्टिंग कर रही है ये, एलविश यादव की एक्टिंग नहीं है, करती है ऐसी हूँ। दीदी अगर सैम दीदी देख रही हो तो वो मेरे साथ ज्यादा रहती है, उन्हें पता है कि मैं हर बात पे ऐसे करती हूँ, और उन्होंने मुझे इस बात का नाम भी दिया हुआ है, वो नाम कमेंट कर दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं ऐसे करती हूँ और आपने मुझे ऐसे करने पे मुझे क्या नाम दिया है। चलने लगा, कल जाती हूँ, आज 10 बजे आ गई होगी वीडियो, तो वो आपने देखी होगी और उसके बहुत सारे प्यार दिए, थैंक यू सो मच। और आपको बैकग्राउंड से मेरे व्लॉग की आवाज आ रही होगी, हम अपना ब्लॉग देख रहे हैं, कल का ब्लॉग है, आगे होगा, ढेर सारा प्यार दे मुझे मेरे ब्लॉग्स का। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूं, और आप बस एक काम करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, प्लीज कीप सपोर्टिंग गाइस। हर्ष क्या हुआ, क्या सोच रहा है, ये कहती है बहुत ज्यादा भूल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा। तो इस पे तो कुछ लगाता क्यों नहीं है, दवाई ले आया, चल हो जाएगा फिर ठीक है, कराने लग गो तो। मैं कैमरा मैन इस झांके का फोन ये देख रही, हाथ की तरह बोल रहा है, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तू अपने घर में ही है, कराया वो
मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है क्योंकि इसके बदले में मैं इसे पोहे बना के दूंगी। कब? अभी दोपहर को ही। मिल ले बना दीजिए। कैमरा हाल बोल रहा हूं, पता पड़ जाएगी तो कितनी असली है। अरे बना दूंगी, असली नकली बात मत करो मेरे से। गाइस 11 बज रहे हैं, मुझे ये बालों में दही तेल लगाए हुए ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैं आज दिखाती हूँ। हाँ मम्मी एक सेकंड दिखाती हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखा रही थी कि मैं अपने बाल धोती हूँ मैट्रिक्स के शैम्पू से, एंड देन मैट्रिक्स का कंडीशनर, और फिर ये धोने के बाद जब बाल तुम्हारे थोड़े सूख जाएं उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे ये मैट्रिक्स का सीरम। तो मैं यहाँ फ्री फंड में मैट्रिक्स की ऐड कर रही हूँ, और यस मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल बहुत सिल्की और बहुत ही स्मूथ होते हैं। थैंक यू। तो गाइस मैंने ये बना लिए हैं पोहे, और ये मैं खाऊंगी दही के साथ। ये मैंने बनाए हैं, और ये गोबर पाथा है इसमें, और ये ऐसे ही करती है, आता जाता कुछ है नहीं और बनती ही इतनी है ये। आता जाता कुछ है नहीं, जब मैं कह रही थी मैं बना दूंगी तो क्यों काम बिगाड़ा, खाया ना वही अनटेस्टी सा। तो खैर छोड़ो, मैंने अपने लिए बना लिया है और ये मैं एंजॉय करती हूँ। चीयर्स। तो गाइस मेरा लंच हो गया रेडी, तो अब मैं लंच खाऊंगी, अपना लंच एंजॉय करूँगी, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। तो लंच खाने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना सोऊँ। मेरा लंच हो चुका है और मेरा पेट एकदम फुल हो गया है, और मुझे 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, और मैंने अपने बालों में लगाया है मैट्रिक्स का सीरम। हाँ रुक जाए एक मिनट, और इससे बाल बहुत शाइन करते हैं। और आप थोड़े मैंने स्ट्रेट कराए थे तो वो मेरी स्ट्रेटनेस चली गई है बालों की, 1 साल हो गया मुझे ऑलमोस्ट स्ट्रेट कराए हुए। काम कर रही है? हाँ बोल। ये किसके? ये कीर्ति ने बनाया, और जो मैंने बनाया वो देख तेरी मर्जी है। तो ये स्ट्रेटनेस निकल गया, मैं नहीं कराऊंगी स्ट्रेट अब, मैं पहले अब मैं अपने बाल बढ़ाऊंगी थोड़े थोड़े, क्या जितने बढ़ेंगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया में कलर करवाऊंगी। देखो पहले बढ़ाते हैं। ओके फोन पे बात कर रही है, बंद कर दे गाने, ये बिना गाने सुने तेरे को नहाया नहीं जाता। और ये मेरे बनाए खा हाथ दिखा रहा है अपना, नहीं मैं खाऊंगी नहीं, तू खा ले, मैं खा चुकी, मेरा पेट भर गया। और टेस्ट करके बताइयो कैसे, और उसके भी टेस्ट करके बताइयो। हाँ तो ये है कीर्ति के, ये मेरे टेस्ट करके बताएगा कैसे है। वो तो मैंने फोन पर बात करते निशिता से फोन पर बात करते करते बना लिए थे, ये तो फिर भी मैंने थोड़ा आराम से बनाया। मैं यहाँ नीचे पड़ी हूँ जमीन में, मेरे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये नीचे जमीन में ये पड़ी है गद्दे पे, और वो माँ बेटे घर के वारिस और घर के वारिस की माँ राजमाता पड़ी है बिस्तर पे, आधा मन से पड़ी है तो बैठ नीचे तो जमीन में। नहीं मुझे जमीन में लेटना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ, जमीन से चिपकी हुई। निर्णय दिखा रही होगी बेचारे छोरी ने तो नीचे रात में अम्मा बेटा ऊपर पड़े रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे दिखाने नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे दिखाने जा रहे हैं। मम्मी पड़ी है पड़ी है पड़ी है पड़ी है। टाइम हो रहा है 3:30 और मैं नहीं सोई हूँ, हर्ष भी नहीं सोया है, यू का बांध रहा खोला ले मैं।
गाइस अगर किसी को इसका कुछ पता है, कोई घरेलू उपाय की ये सूजन कैसे क्या है, कितना सूज गया, अरे दिख रहा है, हटना जाए। और मम्मी सो गई थी, मम्मी अभी उठी है, उठते फोन में लगा। और कीर्ति जा रही है एकेडमी 3:30 बजे। और चढ़ा के बांध चढ़ा के आई है, कैसी लग रही है? ठीक है, सारे तेरे कपड़े पतली हो गए। ओ माय गॉड, पतली हो गई है। क्या है डोरेमोन पॉकेट में? डोरेमोन पॉकेट में हर एक चीज मिल जाएगी। गोरी भी लग रही, क्या बात है। जब बाहर जाओ बड़ी टिंच पिंच होकर, प्रैक्टिस पे जा रही है ना? ना फिर मूवी देखने। हाँ। बाय, निकल चल। तो गाइस टाइम हो रहा है 6 PM, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ आई हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे वर्कआउट करने। आज मैं करूँगी नॉर्मली कार्डियो और एब्स, तो मिलते हैं। और मैंने कार्डियो की और एब्स की कुछ एक्सरसाइज अपनी पिछली वीडियोस में बताई हैं, जिन्होंने नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लीजिए मेरी वीडियोस और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें, धन्यवाद। तो गाइज 7 बज गए हैं और आज मैंने थोड़ा ही वर्कआउट किया, ज़्यादा नहीं किया। कार्डियो भी हल्का सही किया था क्योंकि कल मैच है, मैच खेलने जाना है। तो फिर अब मैं पीऊँगी प्रोटीन, फिर जो प्रोटीन पीने के आधे घंटे बाद मैं डिनर लूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं डिनर में क्या लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड। तो हर्ष अपनी प्रैक्टिस से आ गया है, गीला हो रहा है, होके आया क्योंकि ये बारिश आ रही थी इस वजह से, और ये स्कूटी से गया था। दिखाइए अपना हाथ कैसा हो रहा है। इतना फूल रहा है ये भगवान, ये तो फूल था। गरम कितना हो रहा है, टाइट भी होगा। हाँ देखिए, अरे साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है यार। वो कितना गरम हो रहा है, बर्फ भी पिघल जाएगी, रखते हो वो देख कितना गरम है। कीर्ति आई है घर 8 बजे। इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? जा क्या हुआ, तेरा मूड खराब क्यों लग रहा है? कहाँ खराब है, जबरदस्ती लग रहा है, ऐसे टोन में तो नहीं होती। थक गई क्या? मेरे ज्ञान चल रहा है कैमरा लेके। कैसी लग रही है, एलियन सी? तो गाइस टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और मैं डिनर में लेती दूध और ओट्स, नॉर्मल वाले ओट्स जो बॉईल करके नॉर्मल पानी में। बट मुझे इतनी भूख सी भी नहीं लग रही और मैं मन भी नहीं कर रहा मेरा इतना खाने का। मेरा आज थोड़ा चीट करने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि गोलगप्पे खाऊं। तो फिर चलो चलते हैं गोलगप्पे खाने। कल जैसा कि आपको पता है, कल हमारा टूर्नामेंट है, कीर्ति का ट्रायल है, मेरा स्टेट टूर्नामेंट है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराने जा रहे हैं और मैं अपनी क्रेविंग भी दूर करूंगी गोलगप्पे खा के। चलो चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के आ चुके हैं, आ गए हैं और अब हम जाएंगे वामदेव पे। वामदेव पे ये लेगी इलेक्ट्रॉल और मैं खाऊंगी गोलगप्पे। हम घर आ चुके हैं और मैं अपने ब्लॉग का, आज के ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो तो मुझे कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।